फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। आज की वीडियो में आपको मदर्स डे के लिए कार्ड बनाना सिखाऊंगी जो बच्चे अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, जो बहुत ही ईजी है बनाना। तो चलिए मैं कुछ ईजी स्टेप्स के साथ आपको बनाना सिखाती हूँ मदर्स डे का कार्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप मदर्स डे पर ही दे सकते हैं, आप इसको हर ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जस्ट नाम चेंज करना है। डिज़ाइन जो मैं रखूँगी वो फॉरएवर हर किसी कार्ड पे चलने वाला डिज़ाइन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बने रेड आइकन को प्रेस करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने रेड कलर का कार्ड लिया है और उसके साथ एक कंट्रास्ट में येलो कलर लिया है। तो सबसे पहले मैं दो कार्ड की डिज़ाइंस में बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं पेंसिल से यहाँ तक कट करूँगी। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ सीजर की हेल्प से। तो फ्रेंड, यहाँ आप मैंने पेंसिल से हल्का ओवल शेप में कट किया था, पर मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कट कर लिया है। अब इसको हम फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो आप, ये मेरा बेस रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं फ्लावर सेट करूँगी, जिसके लिए मैंने पिंक कलर लिया है। इसको हम ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद, ये फोल्ड ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अगेन हम एक और ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, रेस्ट पार्ट को इसके ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ हार्ट शेप वाले फ्लावर बना रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस शेप में हम इसको कट कर लेंगे। इसके एजेस थोड़े से और अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से मैं कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का कार्ड ही हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। सेम हम इस पर भी बनाएंगे, बट एक स्मॉल साइज में। ये हमने यहाँ फोल्ड कर लिया, ये आप मार्क देख रहे हैं। अब इसके बाद हाफ यहाँ फोल्ड करेंगे और हाफ अपोजिट साइड। अब सेम हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे, पर छोटा बनाने के लिए हम थोड़ा नीचे की साइड से अब इसको हम कट कर लेंगे। अगेन मैं इसके एजेस को थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब इसके एजेस को हम फ्लावर्स की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे रोल करेंगे। अब इसमें हम छोटा वाला फ्लावर भी ऐड करेंगे। ये छोटे वाले फ्लावर को भी हम इस तरीके से रोल करेंगे और फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट। ये मैंने यहाँ कुछ बीट्स ली है, इस बीट्स को, एक बीट हम यहाँ इसमें से ले लेंगे और इसको सेंटर में पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इस तरीके से दो और फ्लावर बनाए हैं, पर्पल, डार्क पिंक, लाइट पिंक, जिसको हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे सेंटर में।
देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है, अब हम यहाँ पर लीव्स कट करेंगे। लीव्स कट करने के लिए मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है और इसको जस्ट मैं इस शेप को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। वन बाय वन हम इस शेप को कट करेंगे। ये देख सकते हैं ये मेरी लीफ की शेप बन गई है। इसी तरीके से मैं बाकी सबको भी कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारी लीव्स को कट कर लिया है, तो अब हम इसको पेस्ट करेंगे वन बाय वन करके। जहाँ भी आपको लगे कि लीव्स की ज़रूरत है वहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। किसी को कम लीव्स पसंद होती है, किसी को ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले फ्लावर में और नीचे वाले फ्लावर में भी लगा देती हूँ। देख सकते हैं मैंने लीव्स को पेस्ट कर दिया है। यहाँ हम हैप्पी मदर्स डे का कार्ड बना रहे थे, उसको मैं जस्ट कट कर लूँगी अल्फ़ाबेट्स के आसपास। तो फ्रेंड्स ये मैंने कट कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। आप जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर भी। तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो फ्रेंड्स इस तरफ मैं ये गोल्डन चेन लगा रही हूँ, गोल्डन बीड्स। और इसके अपोजिट साइड मैं ये सिल्वर कलर की बीड्स लगा रही हूँ। ये डेकोरेशन के पर्पज से है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, मैं इसको भी पेस्ट कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक रेड कलर के पेपर का पीस लिया है, यहाँ मैं हॉट शेप कट कर रही हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप सबको एक हॉट शेप कट करना आता होगा, तो जस्ट सबसे पहले मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि हमको ऐसे ड्रॉ करना है। इस शेप को हम कट करेंगे। तो ये मैंने हॉट शेप को कट कर लिया है। इसी तरीके से छोटे और बड़े साइज के हम तीन हॉट शेप को कट कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ लिखी है, मॉम, यहाँ पे साइड में डिज़ाइंस और इसमें हार्ट बीट के सिंबल्स। तो इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ तीन अलग अलग जगह, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा पेस्ट हो चुका है, तो मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा ये कार्ड रेडी हो चुका है। यहाँ आपको जो भी क्वार्ट चाहे फोटोज चाहे किसी भी तरीके का मैसेज देना हो तो आप यहाँ दे सकते हैं।
इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए सेम फ्लावर का डिज़ाइन है, पेस्टिंग साइज अलग है। यहाँ मैंने पूरा पेपर छोड़ दिया और यहाँ पेपर को कट कर दिया है। यहाँ पे भी आप सेम जो भी मैसेज लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने दोनों कार्ड रेडी कर लिए हैं। इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप अलग अलग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।